मेरा घर सास के नाम से था, मैं उसी में रह रही थी बहुत दिन से। अभी क्या कहता है देवर कि ये घर मेरा है और मैं ये घर को बेच दूंगा, तुम इस घर से निकल जाओ। ब्रोकर गुंडा लेके आ जाता है, कभी 10-15 गुंडे आ गए, किवाड़ी वाड़ी तोड़ के अंदर घुस गए, पूरा इसके पापा को मारे पीटे। हम डर से ऊपर रूम में जाके बंद हो गए। तो थाना पे गई ये करने कि मेरा केस लिया जाए, ऐसा ऐसा बात है, तो वो थाना वाला केस नहीं लिया और हम ही को बोलता उल्टा तुम बदमाशी कर रही हो, उसका घर है तुम निकल जाओ। मैं कैसे निकल जाऊंगी? तो एसपी साहब कन गए, तो एसपी साहब जब फ़ोन किए सीनियर एसपी, तो मेरा केस लिया, केस भी लिया, तो उसका केस पहले लिया, मेरा काउंटर केस लिया है और उसमें दफ़ा कम लगाता, ज़्यादा दफ़ा मेरे में लगाता, मेरे मैं पिटाई भी, मेरा पति का पैर भी टूटा और मेरे पर दफ़ा भी लगा, इतना भी कर दिया कि अगल बगल हमसे बात नहीं करता कोई, गुंडा के डर से बोलता है तुम्हारे चलते मैंने ना लफड़ा लूंगी। सही बात है, जान सबका प्यारा है, पुलिस तो कुछ कार्रवाई ही नहीं करती है, वो तो सबसे बड़ा गुंडागर्दी कर रही है मेरे साथ। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार है और बाल दिवस भी है, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी है, उस मौके पर बाल दिवस मनाया जाता है। पर जनता दरबार में छोटे छोटे बच्चे आए हुए बाल दिवस पे और इन सभी मसलों पर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार पिछले लगातार फेल नजर आ रही है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, हालांकि महागठबंधन की सरकार है और ये कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार कही जाती है, पर हकीकत कुछ और है, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इरफाना खातून है। क्या दिक्कत है आपको? अरे मेरे घर प्रॉपर्टी का लफड़ा चल रहा, मेरा घर सास के नाम से था, मैं उसी में रह रही थी बहुत दिन से। अभी क्या कहता है देवर कि ये घर मेरा है और मैं ये घर को बेच दूंगा, तुम इस घर से निकल जाओ। उसके लिए वो गुंडा का सहारा ले लिया, ब्रोकर को पकड़ लिया, ब्रोकर गुंडा लेके आ जाता है, कभी 10-15 गुंडे आ गए, किवाड़ी वाड़ी तोड़ के अंदर घुस गए, पूरा इसके पापा को मारे पीटे। हम डर से ऊपर रूम में जाके बंद हो गए, फिर भी ऊपर तक पहुँच गया, किवाड़ी वाड़ी तोड़ के फिर हमको निकाल दिया। ये घटना 2022 में हुआ, 8वां महीना में हुआ था, 9 तारीख को अगस्त के महीने के में। तो मैं थाना पे गई ये करने कि मेरा केस लिया जाए, ऐसा ऐसा बात है, तो वो थाना वाला केस नहीं लिया और हम ही को बोलता उल्टा तुम बदमाशी कर रही हो, उसका घर है तुम निकल जाओ। मैं कैसे निकल जाऊंगी? ये तो कोर्ट ना फैसला देगा कि किसका घर है नहीं है। तो मेरा केस नहीं लिया, तो मैं एसपी साहब कन चली गई, इसके पापा को पीएमसीएच में भर्ती कर दिए 9 के रात में, तो 10 को एसपी साहब कन गए, तो एसपी साहब जब फ़ोन किए सीनियर एसपी, तो मेरा केस लिया, केस भी लिया, तो उसका केस पहले लिया, मेरा काउंटर केस लिया है और उसमें दफ़ा कम लगाता, ज़्यादा दफ़ा मेरे में लगाता, मेरे मैं पिटाई भी, मेरा पति का पैर भी टूटा और मेरे पर दफ़ा भी लगाता। अभी फिर 31 तारीख को फिर गुंडा घुस गया, तो वो हुआ 8वां महीना में। तो मैं डरी हुई है थी, तो फिर क्या की कि मैं कैमरा उमरा लगा ली पूरे घर में, पूरा कैमरा लगा दी कि आएगा तो अब तो कैमरा में आ जाएगा, कोई सबूत चाहता है, सब जगह कोर्ट में जाते तो सबूत मांगता है, गवाह मांगता है, कौन गवाह जाएगा? मोहल्ला वाला को डराए रखता है गुंडा, इतना भी कर दिया कि अगल बगल हमसे बात नहीं करता कोई, गुंडा के डर से बोलता है तुम्हारे चलते मैंने ना लफड़ा लूंगी। सही बात है, जान सबका प्यारा है, तो कोई नहीं लेता है लफड़ा। तो अभी तो मैं उधर से घर तो छोड़ भी की, अपना मोहल्ला भी अभी जाना बंद कर दी है, कोई से कोई मतलब नहीं रख रही इधर उधर 2 महीना से मैं। अभी क्या किया, गुंडा लोग पूरा घर कब्जा कर लिया, देवर उसी के हाथ में दे दिया है ब्रोकर के, और ताला मार दिया उसी में, क्या लूट के ले गया नहीं ले गया कुछ मुझे पता नहीं है, पुलिस तो कुछ कार्रवाई ही नहीं करती है, वो तो सबसे बड़ा गुंडागर्दी कर रही है मेरे साथ। मुझे कहता है कि तुम मतलब गलत हो, और क्या गलत है वो तो हम वही ना बताएगा। अभी तो इसके पापा को जेल भेज दिया, मेरा पति अभी जेल में है, 31 तारीख को उठा के ले गया, बोला चलो FIR करना है। FIR क्या करना है, वहाँ पे रखे रहा है 1 तारीख को, फिर चलान कर दिया है, उस पर दफ़ा कम लगाया, मेरे पर 307 धारा लगा दिया और इसके पापा को जेल में भेज दिया है। और मैं तो सब जगह से थक गया, अभी जनता दरबार में बहुत उम्मीद लेके आई हूँ कि नीतीश नहीं है तो उससे बात होगी, कुछ मेरा मसला हल निकलेगा, लेकिन यहाँ भी अभी उम्मीद नहीं है। ऑनलाइन की थी लेकिन नहीं आया मेरा भी, अभी बच्चों को लेकर जाता है। सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार में ऐसा हो सकता है क्या? तो सरकार ही में ना ऐसा हो रहा है, देख ही रहे ना, ये तो सरकार ही है ना, कैसा सरकार है, कैसा कानून है, किसके लिए बना, हमको तो समझ ही में नहीं आता। अभी तो कहता है कि नीतीश का सरकार है, गुंडा राज नहीं है, लेकिन कैसे कहें, जब वैसा नहीं होगा तब न जानेंगे कि गुंडा राज नहीं है, या किसी को सजा मिलेगा, किसी को पकड़ेगा,
पुलिस तब न जानेंगे, किसी को तो कुछ करवा ही नहीं हो रहा। प्रशासन के पास जाते तो क्या कहा जाता? प्रशासन के पास जाते तो बड़ा बाबू तो डायरेक्ट यही कहता है कि तुम्हारा के मतलब गलती है, तुम सबसे बड़ी हो, तुम औरत होगे मुझे परेशान करती हो, मैं क्या परेशान करती हूँ ये बोलेगा ना, तो बोलते नहीं तुम औरत के नाम पे मतलब मुझे परेशान करती हो, और बोलता लेडीज पुलिस को बुलाओ, इसको अंदर भेज दो, लेडीज को बुलाओ। तो अंदर तो हमको नहीं किया, लेकिन इसी पापा को कर दिया। और बड़ा बाबू बहुत मतलब अजीब ही बात करता है, ऐसा करता है कि मतलब कभी लेडीज से बात ही नहीं किया है, गाली बात एकदम करेगा, कुत्ता के नियर झाड़ देगा। अप्लीकेशन भी दिए, लिखी तो मेरा अप्लीकेशन नहीं लिया, इसी पापा जैसे तैसे दिए थे वही लिया, बोला नहीं तुम ज्यादा पढ़ी लिखी है तुम्हारा नहीं लेंगे। और वो गाली गलौज भी करता? हाँ गाली गलौज करता है, ऐसा करता है बस चले तो वो हमको एकदम मार बैठे, एकदम अंदर कर दे, एकदम जब भी जाते हैं तो उल्टा सीधा बोलता है। हाँ हाँ कुछ महिला का यही नहीं देता, ऐसा करता बड़ा बाबू। अभी तो मैं थक गई हर जगह जा जा के, बहुत उम्मीद लेके यहीं आई हूँ जनता दरबार में, देखिए कब तक मेरा नंबर आता है। 2 महीना से तो मैं इधर उधर भटक रही हूँ, यही मेरे पास बस झूठा केस हटाया जाए, यही सरकार से गुहार है कि मेरे पास से झूठा केस हटाया जाए, मेरे पति को जेल से छोड़ा जाए। इसके लिए तो मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, देखिए कैसे होता है मुलाकात जनता दरबार में। तो बाल दिवस है, बाल दिवस के मौके पर बच्चे भी आए हुए जनता दरबार में। क्या नाम हुआ बाबू आपका? फाइजा परवीन। अच्छा क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती है? हाँ। अच्छा क्या दिक्कत हो रहा है घर में आपके? हम लोग के चाचू गुंडा लेके आते हैं और हम लोग को धमकी दे के जाते हैं, और धमकी दे के जाते हैं ना, तो हम लोग ना डर से ना सीसीटीवी कैमरे लगाए थे तो वो भी तोड़ दिए, बहुत खर्च करके लगाए थे। और पापा शादी में आए थे ना, तो ना जब आए थे ना उसी के एक दिन बाद ही आए थे, पापा को पैर और सब सीना पर ही मारे थे। कौन मारा था? हीरा चाचू मारे थे। अच्छा आपका क्या नाम हुआ बाबू? आयशा बसर। कैसे रहते हैं घर में, इस तरह से हो रहा है कैसे रहते हैं? हम लोग बहुत डर डर के से रहते हैं। हम लोग का पापा को भी ले गए हैं जेल, हम लोग बहुत डरते हैं। कितना दिन हो गया पापा को जेल जाए? हमें पता नहीं है, अम्मी को पता होगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में हैं और यहां पर फरियादी आए हैं, और आज बाल दिवस है, बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में बच्चे भी आए हैं। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।